तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द नोवल आईटी। सो गाइस, आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूं एचपी का प्रो बुक। ये 440 G7 मॉडल है। और गाइस, इसका आप देख पा रहे हैं जो कॉस्ट है अप्रोक्स इसका कॉस्ट है 1 लाख के अराउंड। और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, तो चलिए गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं। और गाइस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बाद में बात कर लूं, तो ये हमारा 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ में मिलता है, जिसमें कि आपका विंडोज़ 10 प्रो 64-bit आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइस, इसमें जो है 8GB रैम प्री इंस्टॉल्ड आता है, और आप इसमें एक स्लॉट खाली रहता है जिसमें कि आप 8GB इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें गाइस दो वेराइटी हैं, 512GB आप इसमें 512GB के साथ आप SSD हार्ड डिस्क ले सकते हैं, या 1TB आपके लिए HDD मिल जाता है। और इंटेल का इसमें जो है अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है 620 सीरीज़ का। और गाइस, बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अनबॉक्स कर लिया है। इसमें जो चार्जर है, चार्जर जो गाइस इसमें है 65 वोल्ट का निकला है, 65 वोल्ट इसका चार्जिंग है। और इसका जो बैटरी है लिथियम लियोन है, और 45 वोल्ट के साथ आपको मिल जाता है 3 सेल का ये बैटरी मिल जाएगा इसमें। देखा जी, इसका जो अनबॉक्स कर रहे हैं, ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं, इसका ट्रे के साइड कुछ एक ट्रे के अंदर इसको लैपटॉप को फिक्स किया गया है, बाकी बॉक्स में इसमें कुछ भी नहीं है। सो गाइस, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। सो गाइस, आप देख रहे हैं ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन है, एक पॉलीथिन के अंदर इसको पैक किया गया है। तो अभी इसको जल्दी से इसको रिमूव कर लेते हैं। सो गाइस, इसका जो आई थिंक ये पूरा जो बॉडी है मेटल बॉडी है, और आप देख सकते हैं साइड में ये SSD और USB पोर्ट मिल जाता है इसमें, सी टाइप चार्जिंग मिल जाता है। आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको HDMI मिल जाएगा, RJ45 मिल जाएगा, 2 USB मिल जाएंगे। गाइस, इसमें जो USB पोर्ट है वो 3.0 और 3.1 का USB कैपेबिलिटी के साथ सपोर्टेबल है। ये बैक साइड है इसका। गाइस देख रहे हैं आप थिकनेस इसका, ये बहुत ही स्लिम बॉडी है इसका। और गाइस, जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से ये मतलब बेस्ट इसको लैपटॉप बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं इसका जो ये फर्स्ट लुक है, और साथ ही साथ मैं इसका गाइस आपको बता देता हूँ, जब फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही नया लैपटॉप होता है उसके साथ चार्जर कनेक्ट करने के बाद ही उसको पावर बटन से हम ऑन कर सकते हैं। सो गाइस, इसका जो वारंटी है 1 ईयर्स स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आपको ये मिल जाता है, और ऑन साइट वारंटी होगी वो लिमिटेड होगी, इनकेस अगर आप जैसे होम पर ही इंजीनियर को विजिट करवाना चाहते हैं तो वो लिमिटेड वारंटी इसका मिलेगा आपको। 1 ईयर स्टैंडर्ड रहेगा, और आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसको ऑन कर दिया है, आप देखेंगे बैक लाइट के साथ इसका कीबोर्ड है। और इसके कॉन्फ़िगरेशन में गाइस आपको टच जो होता है, टच के थ्रू इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स दिया हुआ है, साथ ही साथ इसमें ये HP का लोगो है, लैपटॉप स्टार्ट हो गया सर। सो गाइस, आई होप आपको ये लैपटॉप जो है काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और गाइस, इसका जो कॉस्ट है मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हाई है। इसमें आप 16GB अप टू 16GB जो रैम है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, आपको HDD के साथ भी सेम प्राइस में मिलेगा, अगर 1TB HDD लेंगे या 512GB SSD ले लीजिए। ये गाइस, इसके साथ में कुछ CDs आए हैं जो कि OS रिकवरी है, और एक ड्राइवर्स का कोई CD आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें ये नोट पैड मिल जाए, मतलब नोट्स हैं कुछ, जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है कि फ़र्स्ट टाइम जब इसे आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो गाइस, इसमें जो विंडोज़ 10 आपको मिलेगा वो डिजिटली लाइसेंस एक्टिवेशन होगा। और बाकी प्रोसेसर की बात कर लें गाइस, तो इसमें जो i5 प्रोसेसर लगा हुआ है उसका जो स्पीड है 1.6 GHz दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड ये कंज्यूम कर सकता है। हीटिंग पावर कुछ भी नहीं है गाइस, और जो बैटरी का मैंने आपको बता ही दिया, लिथियम लियोन बैटरी है, 45 वोल्ट आउटपुट उसका है। चार्जर जो है गाइस 90 वोल्ट का नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा डॉकेट स्टेशन का फिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसके साथ में 65 वोल्ट का चार्जर आया है। सो गाइस, एक बार मैं इसका कंप्लीट लुक आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका जो है डिज़ाइन है कम्प्लीट। राइट गाइस, टाइप सी भी इसमें फिजिबिलिटी है, टाइप सी चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको मेन जो बायोस मोड होता है वहाँ से अनेबल करना पड़ेगा। सो गाइस देखिए, इसका ये लुक पूरा कंप्लीट। और गाइस, आपको ये अगर पसंद आया तो एक बार आप कमेंट में इसको ज़रूर मेंशन करना कि भाई ज़बरदस्त लैपटॉप है। सो गाइस देखिए, आपकी कंप्लीट लैपटॉप है। बैक लाइट के साथ इसका कीबोर्ड है, और आप चाहें तो लाइट बंद भी कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स हैं। ये इसका टॉप है, HP का बेजिंग आपको टॉप पर मिल जाएगा। और गाइस, ये जस्ट लाइनिंग दे रखा है ऊपर, जो कि इसका शो डिज़ाइन जो है काफ़ी इसको अट्रैक्टिव कर रहा है।
देखिए गाइस ये कंप्लीट डिज़ाइन है। सो गाइस जब तक ये विंडोज़ ऑन होता है तब तक मैं इसको बात कर लेता हूँ आपको कि जो इसमें जो टाइप सी है वो जनरेशन 1 यूज़ किया गया है पावर डिलीवरी के लिए, और RJ45 है, HDMI केबल है, बॉक्स के अंदर जो गाइस आपको मिल जाएगा उस बॉक्स में आपने देख लिया एक पावर AC अडेप्टर मिल जाता है, ठीक है, और जो कि पावर कोड के साथ में है विद पावर कोड 3-pin पावर कोड है। क्वालिटी तो गाइस आपको पता ही है, HP का जो क्वालिटी होता है वो बेस्ट ही रहता है, तो नो डाउट। बाकी फिंगरप्रिंट्स इसमें एडिशनल फीचर्स हैं, और ये गाइस तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। बाकी गाइस इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। ये देखिए फिंगरप्रिंट्स है, आप इसके थ्रू इसको अनलॉक और लॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक के लिए ये फिंगरप्रिंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ड्राइवर है जो कि प्री इंस्टॉल्ड होता है। यहाँ पे आपको HP का वारंटी स्टेटस मिल जाएगा, वारंटी आप रजिस्टर कर सकते हैं HP की साइट पे जाके। गाइस ये जो HP का प्रो बुक है, सो i5 इंटेल i5 प्रोसेसर इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।